हेलो, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक फिल्म आ रही है, नाम है बुलबुल। बुलबुल एक तरह का पक्षी होता है, सुरीली आवाज के लिए फेमस है। बॉलीवुड के कई गानों में भी आपने बुलबुल शब्द का इस्तेमाल सुना ही है। अब इस नाम की फिल्म आ रही है, अभी अभी इसका ट्रेलर आया है, एकदम ताजा रिसेंट। तो इस ट्रेलर में क्या खास है, इससे फिल्म की कहानी कितनी पता चल रही है, कौन कौन इसमें काम कर रहा है, एक एक करके सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो इस हाई फाइव की पहली बात यह है कि कहानी क्या है। ट्रेलर की शुरुआत होती है दुल्हन की डोली और चुड़ैल की कहानी से। बंगाल का एक गांव है, बुलबुल नाम की एक बच्ची है, दुल्हन के लिबास में है, अपनी उम्र के सत्या नाम के एक लड़के के साथ डोली में बैठी हुई है। सत्या उसे उल्टे पैर वाली एक चुड़ैल की कहानी सुना रहा है। अगले सीन में बुलबुल अपने ससुराल के एक कमरे में बैठी है, बड़ी सी हवेली है, उसे लगता है कि उसकी शादी सत्या से हुई है, लेकिन बाद में पता चलता है कि शादी सत्या के बड़े भाई महेंद्र से हुई है, जो कि उम्र में बुलबुल से काफी बड़ा है। फिर कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है, बुलबुल और सत्या बड़े हो जाते हैं, बुलबुल मन ही मन सत्या से ही प्यार करती है। ट्रेलर से ये समझ आया है कि महेंद्र की पहले से ही एक पत्नी है, जो ये बात जानती है कि बुलबुल सत्या से प्यार करती है। एक दिन अचानक महेंद्र की हत्या हो जाती है, सत्या तब शायद किसी दूसरे शहर में रहता है। बुलबुल उससे कहती है कि चुड़ैल ने महेंद्र को मारा है। इसी दौरान गांव के कुछ और आदमियों के भी मर्डर हो जाते हैं। सत्या इन हत्याओं के पीछे के कारण खोजने निकलता है, उसकी मदद गांव का ही एक व्यक्ति करता है। इसी दौरान कई सारे राज उसके सामने आते जाते हैं। शक ट्रेलर के सभी किरदारों के ऊपर जाता दिखता है, खास तौर पर बुलबुल के ऊपर। ये दिखाया गया है कि सच बुलबुल के रहस्यमयी पास्ट से जुड़ा हुआ है। सत्या सच पता लगा पाता है या नहीं, यही फिल्म की कहानी है। अब ट्रेलर कैसा है? डरावना तो है, लेकिन ट्रेलर में डरावनेपन से कहीं ज्यादा सस्पेंस नजर आता है। सत्या को छोड़कर बाकी सारे किरदारों को देखकर लगता है कि इनके अंदर रहस्यों का कुआं खुदा होगा। सबसे ज्यादा बुलबुल का किरदार रहस्यमयी नजर आया, शांत, समझदार, दिल में प्यार, सारी सच्चाई, सारी बातें जानने वाला। ये सब कुछ बुलबुल के चेहरे पर पूरे ट्रेलर में दिखाई दिया। ट्रेलर का जो पहला हिस्सा है वो फिल्म की कहानी क्या है ये बताने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा हिस्सा कई सारी तस्वीरों, छोटे छोटे शॉट्स और बहुत तेज म्यूजिक के गुच्छे की तरह लगता है। इतना समझ आया कि हर किसी किरदार का राज खुलते खुलते महेंद्र की हत्या करने वाले का पता चलेगा, और ये पता चलेगा कि गांव में असल में किसी चुड़ैल का साया है या नहीं। यानी एक लाइन में कहें तो ये फिल्म भूत प्रेत की घिसी पिटी कहानी वाली फिल्मों से हटकर होगी, कुछ नया दिखाएगी, ऐसी फील आ रही है। अब तीसरी बात है कि फिल्म में कौन कौन काम कर रहा है। तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी, ये दोनों बुलबुल और सत्या बने हैं। ये जोड़ी इससे पहले 2018 में आई फिल्म लैला मजनू में दिख चुकी है। इससे पहले तृप्ति फिल्म पोस्टर बॉयज में कुछ देर के लिए दिख चुकी हैं। यानी बुलबुल तृप्ति की तीसरी फिल्म है, लीड रोल के हिसाब से दूसरी। अब अविनाश तिवारी की अगर बात करें तो अविनाश तिवारी वैसे तो 2005 से ही शॉर्ट फिल्म में कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी बड़ा ब्रेक लैला मजनू से ही मिला। उसके बाद नेटफ्लिक्स की हॉरर फिल्म घोस्ट स्टोरीज में भी दिखे वो। बुलबुल के अलावा द गर्ल ऑन द ट्रेन फिल्म में भी हैं। फिल्म का रिलीज होना कोरोना वायरस संकट की वजह से टल गया। इन दोनों एक्टर्स के अलावा इसमें राहुल बोस भी नजर आ रहे हैं महेंद्र के रोल में। कई फिल्में वो कर चुके हैं, जैसे प्यार के साइड इफेक्ट्स, चमेली, विश्वरूपम 1 और 2 दोनों में ही थे। कुछ मतलब अलग टाइप का सिनेमा जो पसंद करते हैं ना, वो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। पिछले साल 5-स्टार होटल में उन्होंने केले ऑर्डर किए थे और वो वाला मामला काफ़ी चर्चा में रहा था। हुआ ये था कि वो एक होटल में रुकने गए, 5-स्टार होटल में, और उन्होंने वहाँ पर 2 केले मंगवाए। बिल आया 442 रुपये का, जिसे राहुल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और काफ़ी हंगामा हुआ, जिसके बाद होटल पर 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया गया। फिर इसमें एक और एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है पावली दाम, शायद महेंद्र की पहली पत्नी बनी है वो। इस फिल्म से उन्हें अच्छी पहचान मिली, उसके बाद बंगाली फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी वो काम कर रही हैं। इसके अलावा इस फिल्म में परमप्रता चटर्जी भी दिख रहे हैं, जो महेंद्र के हत्यारे का पता लगाने में सत्या की हेल्प करता है आदमी, उसके रोल में है। अनुष्का शर्मा की परी फिल्म में भी ये लीड रोल में थे और 2002 से बंगाली सिनेमा में एक्टिव हैं। परी के अलावा यारा सिली सिली, ट्रैफिक जैसी हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। चौथी बात है कि ये फिल्म किसने बनाई है।
डायरेक्टर हैं अन्विता दत्त। फिल्मों के लिए डायलॉग्स भी लिखती हैं, स्टोरी राइटर हैं, गाने भी लिखती हैं। करियर की शुरुआत एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से की थी। 14 साल तक वहाँ काम करने के बाद यशराज फिल्म से जुड़ी, स्क्रीन राइटर और लिरिसिस्ट के तौर पर काम करने लगी। धर्मा प्रोडक्शंस के साथ भी काम किया है। 2014 में आई क्वीन फिल्म के भी कुछ गाने लिखे हैं, डायलॉग्स भी लिखे हैं। ये हो गए डायरेक्टर की बात। तो प्रोड्यूसर हैं एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। बुलबुल को उनके प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। ये प्रोडक्शन हाउस अब तक 4 फिल्में और 1 सीरीज प्रोड्यूस कर चुका है। 4 में से 3 फिल्में आत्माओं और भूत प्रेत से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, जैसे 2017 में आई थी फिलौरी, फिर 2018 में आई परी और अब बुलबुल। फिलौरी और परी में तो अनुष्का खुद लीड रोल में थी, एक में आत्मा बनी थी, एक में पिशाच इफ्रित की बेटी बनी थी, लेकिन दोनों को ही दिल से अच्छा बताया था। लगता है कि अनुष्का को आत्मा भूत प्रेत से जुड़ी फिल्में पसंद है, एटलीस्ट बनाना। आखिरी बात यह है कि कब आ रही है बुलबुल। 24 जून को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। नेटफ्लिक्स ने नवंबर 2018 में इंडिया से 9 ओरिजिनल फिल्म्स बनाने का ऐलान किया था, इनमें से एक बुलबुल भी थी। यानी ऐसा नहीं है कि ये पहले थिएटर में रिलीज होने वाली थी और कोरोना के चलते नेटफ्लिक्स पर आ रही हो, ये ओरिजिनली नेटफ्लिक्स के लिए ही बनी है और उस पर ही आ रही है क्योंकि ये नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल फिल्म कहलाएगी। अच्छा, और बुलबुल का ट्रेलर देखकर लगता है कि फिल्म अनुष्का की परी को मात दे सकती है, लग तो रहा है। ट्रेलर हमें तो अच्छा लगा है, आप देखो और बताओ, देख चुके हो तो भी बताओ। टिल देन चाओ।